हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पंकज शुक्ला फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। टुडे देयर विल बी ए रिविजन ऑफ चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वलिटी। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर 6। व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर इनइक्वलिटी? लीनियर इनइक्वलिटी होता क्या है? डेफिनेशन, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स लेस ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर्म एन इक्वलिटी। लेस देन ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू फॉर्म एन इनइक्वलिटी। जनरल फॉर्म, फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल। नाउ द एग्जाम्पल, 2x प्लस 5 इज लेस देन 2, 2x 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, दिस वन इज द ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज दिस वन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। सी ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका एग्जाम्पल 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और वी कैन पुट यर नंबर, नंबर भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यहाँ 0 ही लिखें। सो ये लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल है और ये इसके एग्जाम्पल्स है। वन वेरिएबल का मतलब है ये एक्स जो है यहाँ पर वेरिएबल है, ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, एक्स इज द वेरिएबल, सो इट इज कॉल्ड वन वेरिएबल। ये जो लीनियर इनइक्वलिटी कहलाएगी वो वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वलिटी कहलाएगी। व्हाई इट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी? बिकॉज इट इज नॉट इक्वल साइन। सपोज इक्वल्स टू साइन इज गिवन देन इट बिकम्स इक्वेशन। अगर इक्वल साइन हम लगा देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। और ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ये जो सिंबल्स हैं वो इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब है टू वेरिएबल्स होंगे। जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स, 2x माइनस वाई लेस देन 2, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। सो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल इज क्लियर। यहाँ जो टू वेरिएबल्स होंगे x एंड y आर द वेरिएबल्स। ये जो हमारा चैप्टर है ये लीनियर इनइक्वलिटी पर बेस्ड है। इनइक्वलिटी वन वेरिएबल भी हो सकती है, यहाँ पर टू वेरिएबल भी हो सकती है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 क्या है क्वेश्चन? सोल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7, सोल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7। एक्सरसाइज 6.1, सोल्व 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 लेस देन 7। व्हेन x इज एन इंटीजर, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिया है ये, 5x माइनस 3 लेस देन 7, x इज एन इंटीजर,
x इज एन इंटीजर, इसके लिए आपको सोल्व करना है. When x is an integer, 5x minus 3 is less than 7. So solution 5x minus 3 less than 7, ये तो क्वेश्चन है. माइनस 3 उस साइड पे जाके इट बिकम्स पॉजिटिव. सो 5x इज लेस देन 10, देन x इज लेस देन 10 अपॉन 5, 5 जा 5 एंड 5 2 जा 10, x इज लेस देन 2. आंसर जो रहेगा x इज लेस देन 2. अब इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है. अब इंटीजर का क्या मीनिंग है? इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स आते हैं. सो x इज लेस देन 2 के लिए क्या आंसर होगा? अगेन लिसन मी, 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, ये आपका क्वेश्चन है. माइनस 3 इस साइड पे जाके इट बिकम्स प्लस 3. सो 7 प्लस 3 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 2. सो x इज एन इंटीजर लेस देन 2, 2 से कम, 2 से स्मॉलर जो इंटीजर है. सॉल्यूशन सेट सेट फॉर x इज इंटीजर. x अगर इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट में क्या आंसर होगा? माइनस 2, माइनस 1, 0, 1. 2 से लेस, 2 से लेस का मतलब है 2 से लेस वाले नंबर आएंगे. 2 से लेस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2 एंड सो ऑन. सो सॉल्यूशन सेट फॉर x इज एन इंटीजर. इसी का एक पार्ट और है, x इज अ रियल नंबर. जब x रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज रियल. ये तो इंटीजर के लिए है. जब x रियल नंबर होगा तो उसका क्या आंसर होगा? रियल नंबर के लिए आपको लेस देन 2, 2 से लेस. सो वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 से लेस रहेंगे. और 2 से लेस कहाँ तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक. सो सॉल्यूशन सेट ये इंटीजर की फॉर्म में है. और ये व्हेन एक्स इज रियल, सपोज यहाँ क्वेश्चन होता कि एक्स इज नेचुरल नंबर, देन आंसर क्या होता है? यहाँ पर तीन कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं. इन केस एक्स इज नेचुरल नंबर होता तो एक्स इज लेस देन 2 का जो आंसर होता वो 1 आंसर आता. नेचुरल नंबर में 1 आता, इंटीजर में ये हैं. और सॉल्यूशन सेट व्हेन एक्स इज रियल, रियल के लिए आपका आंसर ये हो जाएगा 2 से लेस, माइनस इन्फिनिटी. सो दिस इज योर आंसर. आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स. सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स. रियल एक्स के लिए आपको बताना है. नेक्स्ट बुक में आपके 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स. 3 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 माइनस एक्स अपॉन 3 फॉर रियल एक्स. मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर रियल एक्स. दिस इज योर क्वेश्चन. 3 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 माइनस एक्स अपॉन 3. रियल एक्स के लिए निकालना है आपको. सोल्व करेंगे सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लाइक दिस. सो सॉल्यूशन
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 3 को 3 से किया, 3 इंटू 3 9, एक्स माइनस 2, देन 5 जा 25, 2 माइनस एक्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 को 5 से करेंगे 25, सिंपल कैलकुलेशन करना है, 9 को x करेंगे, 9 मल्टीप्लाई x, 9x, देन 9 मल्टीप्लाई माइनस 2, 9 टू जाए 18, 25 इज मल्टीप्लाई बाय 2, 25 टू जा 50, माइनस 25x, सिंपल जैसा हम इक्वेशन में करते हैं सेम वही करते जाना है, बस यहाँ लीनियर इनइक्वालिटी में जो साइन जो रहेंगे वो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। सो 9x प्लस 25x ये माइनस के 25 इस तरफ आया, इट बिकम्स पॉजिटिव, 50 माइनस 18 उधर जाएंगे, सो 34x इज इक्वल्स टू 68, देन 68 इज डिवाइडेड बाय 34, सो 34 वन जा 34, देन 2 टाइम्स लेस देन इक्वल्स टू 2, आंसर आपका रहेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहां पे ये जो लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक चीज याद रखना आप, इन केस दिस साइन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो बिग ब्रैकेट यूज होगा लाइक दिस, लेस देन इक्वल है ग्रेटर देन है तो स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज होगा, ओपन इंटरवेल एंड क्लोज इंटरवेल बोलते हैं इन्हें। लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 से लेस, सो एक तरफ तो 2 है, यहाँ पर हम ये बिग वाला ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर जो रहेगा माइनस इन्फिनिटी, सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज रियल, सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज रियल, आंसर जो रहेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 तक रहेगा। x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2 से लेकर लेस, 2 से लेस चाहिए तो 2 से लेस में लेस देन में माइनस इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सोल्व द इनइक्वालिटीज, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है आपको 3x माइनस 2, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आपके जो 20 है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, सोल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सोल्व होगा 3x माइनस 2, ये थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 2, फर्स्ट वी हैव टू सोल्व 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, इसको सोल्व करना है और आंसर जो आएगा उसको x की जो वैल्यू आएगी उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट सोल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हम सोल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, 3x माइनस 2x 1 प्लस 2, x को x के साइड पे लेंगे, नंबर को नंबर के साइड पे, सिंपल जो कंसेप्ट हमारा है 7th 8th क्लास से हम पढ़ाते हैं वही कंसेप्ट रहेगा, 3x माइनस 2x, 3x में से 2x जाएंगे तो x लेस देन 3, नाउ रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज 0 1 2 3 4 देन माइनस 1 1 2 3 4 दिस इज 2 देन माइनस 2 माइनस 3
एंड सो ऑन। थ्री से लेस का मतलब है आपको इस तरफ, थ्री से इस साइड पे चलना है। थ्री से लेस का मतलब है इधर की तरफ। थ्री से ग्रेटर तो राइट हैंड साइड पे आएंगे, थ्री से लेस जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड। सो लाइक दिस, इस तरह से आपको करना है थ्री से लेस, और यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। ये लेस देन और ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू रहती है तो ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। ये जो ओपन ओपन सा है ये एक्स इज लेस देन थ्री का मतलब है थ्री से लेस। तो ये डार्क लाइन जो मैंने बनाई है दिस शोज एक्स इज लेस देन थ्री, ये आपको शो करेगी लेस देन थ्री। सपोज मैं यहाँ एक्स लिख दूँ, एक्स डैश इधर पॉजिटिव जाएगा, इधर यहाँ नेगेटिव में इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सो दिस शोज एक्स इज लेस देन थ्री, ये डार्क डार्क सा मैंने कर दिया ये दिस वन। थ्री से लेस, थ्री से लेस का मतलब है इस तरफ, थ्री से ग्रेटर होता है तो हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। सो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है नंबर लाइन पे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 था बुक में, और ये यहाँ पे थर्ड लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं एक, क्वेश्चन 21 है नेक्स्ट बुक में 21, देन हियर।